हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। इससे पहले इस चैप्टर के बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, अभी ना मैंने आपको चैप्टर का जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था तो उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बन है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। हर चीज़, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन एक की रोल प्ले करता है। हमारे एटमोसफेयर में भी कार्बन की एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सो यहाँ पे जो हेडिंग है ना, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें यही आपको समझाया गया है कि जो कार्बन है ना वो बहुमुखी है। बहुमुखी का मतलब इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अलग अलग तरीके से कार्बन का यूज़ किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। और इसके अलावा मैंने आपको इसकी एग्जिस्टेंस भी बताई थी कि जो कार्बन है ना इतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको पहले इसका इंट्रो समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में ना आप अच्छे से समझ पाएंगे। इंट्रो के लिए आप इसकी फर्स्ट वाला जो पार्ट है ना उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कार्बन के जितने भी इम्पॉर्टेंस मैंने आपको अभी तक बताए हैं ना, उन सबको यहाँ पे इक्वली क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है, जिससे कि आपका ये आंसर कम्प्लीट बना है। देखिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगेन मैं चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि जो कार्बन है ना उसमें कैसा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसहयोजी आबंध, और ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो कार्बन के एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के और कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का याद रखिएगा, शेयरिंग से ये बॉन्ड बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमने सिंपल स्ट्रक्चर कार्बन कंपाउंड का वो देखा था, वो क्या था, मीथेन था, CH4 जो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्या है, C एक है और H कितने हैं, 4 है। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला था जो मैंने आपको दिखाया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी है, सिंगल बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये आपके जो है कोवलेंट बॉन्ड हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आगे आपको क्या चीज़ दे रखी है कि जो कार्बन है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन हमारी जो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब में भी जो कार्बन है ना वो एक अपना की रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपको यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दी उसमें इम्पॉर्टेंस हैं कार्बन के। कार्बन के हमारे स्ट्रक्चर में, फिजिक में भी कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बन को बाकी एलिमेंट्स से अलग बनाती है, और बाकी एलिमेंट्स के अंदर हमें ये प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, जो दो फैक्टर्स आप नोटिस कर सकते हैं कि जो कार्बन को बाकी के एलिमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग बनाता है। फर्स्ट तो इसमें आता है, कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की बाकी एटम्स के साथ में। इसके अलावा जो कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो लार्ज स्केल पे भी हो जाती है, मतलब कि ब्रांच बन जाता है स्ट्रक्चर। अभी जब हम आगे इसको चैप्टर को करेंगे ना तो उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिखाऊंगी, उसमें यू कैन सी कि जो कार्बन है ना उसमें एक सिंगल एटम के साथ में भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और जो चेन बनती है कार्बन की उसमें भी अलग अलग तरीके से कार्बन की क्या हो जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। सो कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की बाकी एटम्स के साथ में। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे वन मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन, आपको एग्जांपल के साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। तो याद रखिएगा कि कार्बन में एक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की बाकी एटम्स के साथ में, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। अब जो कार्बन है ना ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, और कई बार ये स्ट्रक्चर बनाते हैं रिंग में। अब देखिए, ब्रांच में ये हो गया,
इसके अलावा अगर लॉन्ग चेन देखें तो कई सारे कार्बन एटम्स मिलके हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे बन जाएंगे। और रिंग की बात करें तो ऐसा जो क्लोज स्ट्रक्चर होता है ना, ये तरीका जो होता है रिंग का, मैंने बहुत गंदा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। वैसे मैं अभी आगे जब आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी ये, बट ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे कार्बन के ऊपर एक और हमने यहाँ पर लगा दिया, तो जब ऐसे ऊपर नीचे बनता है ना उसे हम कहते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। जो सीधी चेन में बनती है उसे हम चेन कहते हैं, लॉन्ग चेन बनती है जो, और जो ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर्स बनते हैं कार्बन के उसे हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सो कार्बन की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि और बाकी एलिमेंट्स में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा इसमें एक टर्म आपको दे रखी है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसको अभी थोड़ा होल्ड पे डालिए, अभी इस टॉपिक के साथ में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, उनका कार्बन के साथ में कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अभी एग्जाम सीबीएसई के लिए इसको एक हद तक स्किप करने का सोच सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, आपको सेकंड जो प्रॉपर्टी दे रखी है कार्बन की, वो क्या दे रखी है कि कार्बन में वैलेंसी होती है 4 की। मतलब कि जब हम इसको के एल एम एन शेल्स में इसका डिवीजन करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो पहले में आए 2 और सेकंड में आए 4। तो ये जो 4 है ना, ये क्या है, इसकी वैलेंसी हमको दे रखी है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कैसी है, 4 है, और ये कैपेबल होता है एटम्स को के साथ में बॉन्डिंग के लिए। प्लस कार्बन में एक प्रॉपर्टी है कि ये गेन भी कर सकता है और रिटेन लूज भी कर सकता है। तो दोनों ही सिचुएशंस कार्बन के साथ में आपको देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा जो कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मोस्टली वो हाइड्रोजन के साथ में होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ में भी आप कार्बन के एक प्रॉपर्टीज़ के साथ में इनका स्ट्रक्चर कंपाउंड देख सकते हैं। अब जो कार्बन होते हैं इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सो ये पॉइंट्स जो हैं आप उसके लिए लिख सकते हैं, जो आपका कार्बन के जो यूनिक फीचर्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं। वीडियो पोस्ट करना और उसके बाद में आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, जो कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं समझाती हूँ, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस भी कार्बन एटम के अंदर हमारे पास में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक मतलब ये सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त। और जो ये होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नहीं आई थिंक इसकी हिंदी मैंने गलत बोली है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड। तो ये आपको याद रखना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कई बार आपसे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी जो आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आपको ना कुछ कंपाउंड्स के नाम दे दिए जाएंगे और फिर बोला जाएगा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और कौन सा हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो याद आपको इतना रखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास में सैचुरेटेड है, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो वो हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए हाइड्रोजन के साथ में इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, अनसैचुरेटेड है। जहाँ जहाँ आपके सिंगल बॉन्ड दिखेंगे तो वो स्ट्रक्चर होता है हमारा कैसा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको इथेन का दे रखा है, लेकिन ये मैं आपको ना स्ट्रक्चर्स अभी समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आप इसमें स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारा ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और आपको स्ट्रक्चर दे रखा है इथेन का, तो ये सब मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सिखाऊंगी कि आपके पास में चेन, ब्रांच और रिंग में जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो किस तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं। इन सब के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड प्लीज़ अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, उसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है, बट आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा मतलब मन करता है कि हाँ कुछ नई नई चीज़ों पे, टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ।
नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.